नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्डम। दोस्तों, बहुत से पुराने कलाकार, पुराने तो नहीं कह सकते, हमारे इंडस्ट्री के जाने उन्हें जाने माने और बेहतरीन कलाकार है जिनके बारे में हम मैं बताते रहता हूँ और आप लोगों ने बहुत से लोगों के लिए पूछा है। तो किसी मतलब बहुत से हमारे दोस्त थे, उन्होंने पूछा है कि दिलीप कुमार साहब जो कि ट्रेजेडी किंग थे और ट्रेजेडी ही करते रहे और फिल्मों में भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ट्रेजेडी के ही रोल किए हैं, तो वो अचानक कॉमेडी की तरफ कैसे मुड़ गए और कॉमेडी फिल्में क्यों करने लगे। दोस्तों, दिलीप कुमार तो हमारे एक यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े महारथी है। यूनिवर्सिटी के इसलिए कह रहा हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी के नहीं, पूरी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार थे। आज भी उनको मान से देखा जाता है और ट्रेजेडी किंग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब दिलीप कुमार साहब आए थे, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत पुरानी फिल्में की थी, फागुन, फिर देविका रानी के साथ फिल्में की थी। बॉम्बे टॉकीज जब मलाड में थी बहुत सालों पहले, तो देविका रानी ने उन्हीं को ये किया था और उन्हें काम दिया था। उस वक्त सिर्फ 130 रुपया महीना मिलता था, लेकिन 130 रुपया महीना यानी बहुत कुछ आज के 13,000 15,000 जैसे होता था। लेकिन उस वक्त जो दिलीप कुमार साहब आए थे, अपने फ्रूट सेलिंग का तो काम करते थे, ड्राई फ्रूट सेलिंग का करते थे, पेशावर से हिंदुस्तान आए थे, लेकिन एक्टिंग का उन्हें बहुत शौक था। लेकिन उनको डर भी ये रहता था कि पिताजी को मालूम न पड़ जाए, हमारे फादर को अगर मालूम पड़ जाएगा तो वो हमें काम नहीं करने देंगे। तो जब उनकी फिल्म बनी, पहली फिल्म बनी, ज्वारभाटा भी बनी, और जब उनके घर के सामने ही पोस्टर लगे, तब दिलीप कुमार को कौन छुपा सकता था। तो दिलीप कुमार के वालिद जो थे, यानी पिताजी जो थे, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने बहुत उन्हें कहा, ये क्या नौटंकी कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये अपने भाड़गिरी, ये अपने अपने इसके में नहीं है, फ्रूट अपने जो है वो बेचिए और ये काम कीजिए। तो उन्होंने अपनी पसंद बताई कि मैं तो कलाकार बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, उनके पिताजी ने मर्जी ना मर्जी उन्हें मुंबई आने के लिए परमिशन दे दी। मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो पहले देविका रानी जी से मिले, बॉम्बे टॉकीज में मिले, उन्होंने फिल्म बनाई, उन्होंने फिल्म में काम किया, लेकिन पहली फिल्म कुछ अच्छी नहीं चली। उसके बाद वहाँ पे एक बाबू भाई मिस्त्री, बाबू भाई एक थे जो कि क्रिटिक राइटर थे, उन्होंने कहा कि ये बेकार है, कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कुछ आती नहीं है इनको, ये वो। तो वो उनकी क्रिटिक से इतना ये दिलीप साहब हिल बिला गए थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तब उन्होंने दूसरी फिल्म आई, फागुन आई, उसके बाद बहुत सी फिल्में आती गई। लेकिन जब आप पूरी हिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजेडी का ही काम किया है। मधुमती फिल्म हो या फिर मुगले आज़म हो, मुगले आज़म तो एक माइलस्टोन था, के आसिफ जी ने जब उन्हें काम दिलाया था, तो के आसिफ यानी बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और बहुत ही कमाल का काम आपसे निकाल लेते थे। तो दोस्तों, मुगले आज़म भी की, कोहिनूर भी की और बहुत सी फिल्में की, और लेकिन सब में वो ट्रेजेडी का ही काम करते थे। देवदास फिल्म जो की, जो कि मानी हुई फिल्म है, मानी हुई कहानियाँ हैं, और देवदास जब करने के बाद जब ये सब फिल्में वो करते थे, तो वो जो एक्टिंग करते थे वो आज के दौर में उसे हम लोग रियल एक्टिंग जो कहते हैं, यानी वो एक्टिंग ऐसी होती है तो जो आपके दिल पे छाप छोड़ जाती है। आप महीनों महीनों, दिनों दिन, महीनों महीनों, वीकली या महीनों में आप पे छाई रहती है, आप उसी में ही सोचते रहते हो, उसी के लिए ही सोचते रहते हो, और आप पे इतनी हेवी हो, इतनी हावी हो जाती है कि आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो वो करते थे, तो ये जो फिल्में करते थे तो उसका असर उनको दिमाग पे बहुत होता था। तो जब उनकी शादी हुई सायरा जी के साथ, तो सायरा जी के साथ सगीना फिल्म जो की, तो वो थोड़ी सी कॉमेडी थी। तो ये जब करने लगे तो डॉक्टरों ने कहा कि बहुत सी ये ऐसी फिल्में करना आपके दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं, बात नहीं है, वो आप पे छा जाती है और आप
बाहर निकल नहीं पाते हो तो कॉमेडी फिल्में करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ शुरू हुआ कॉमेडी का दौर। उसके बाद तो बहुत सी फिल्में आई जो जहां उन्होंने कॉमेडी की, सगीना की ही, राम और श्याम की, और बहुत सी फिल्में ऐसी भी थी जहां पे सिर्फ कॉमेडी ही थी। तो दोस्तों वो कॉमेडी इसलिए करते थे कि उस माइंडसेट से बाहर निकल जाए। उस वक्त तो कोई था नहीं कि ओपन और क्लोज इस टाइप की थी, कोई टेक्निक थी नहीं जहाँ पे आपको ओपन बोल दिया तो आप वो उसमें फ्लैश में चले गए और उसमें से बाहर निकल आए। दोस्तों आजकल जो बहुत सी मोबाइल आ जाने की वजह से या बहुत सी टेक्निक आ जाने की वजह से जो काम आप करते हो उसमें से तुरंत आप बाहर आ जा सकते हो। मैं भी कभी कभी ऐसा होता है तो कोई सीन होता है तो शायद मैं भी उसमें थोड़ा सा घुल मिल जाता हूँ, लेकिन उसमें से बाहर आने के लिए मैंने अच्छी एक टेक्निक कर ली है। मेरे मोबाइल में बहुत से हल्के फुल्के से गाने हैं, कॉमेडी गाने हैं, वो मैं सुन लेता हूँ और उस माहौल से थोड़ा दूर चले जाता हूँ तो मैं निकल सकता हूँ। तो दोस्तों यही बात थी कि दिलीप साहब ने कॉमेडी फिल्में क्यों की। वो भी उनका एक तरीका था, कॉमेडी करने का भी तरीका था, वहाँ भी उन्होंने झंडे गाड़े। दोस्तों यही होता है, जो आप काम करते हो वो आपके दिलो दिमाग पे छा जाता है, आपके मन पे छा जाता है और उसका असर बहुत दिनों तक रहता है। तो इसीलिए वो दूर होने के लिए डॉक्टरों ने उनको कहा कि ट्रेजिडी बंद कीजिए और थोड़ी सी कुछ कॉमेडी लाइट फिल्में कीजिए। तो उन्होंने कॉमेडी फिल्में की, उसका नाम जो मैंने बताया वो फिल्में देखने लायक है। दिलीप साहब यानी एक इंडस्ट्री के फिल्म एक्टिंग के बारे में जो कहा जाए वो कम है। उनकी फिल्में देखोगे तो आपको हर एक डायलॉग, हर एक जहाँ पे डायलॉग नहीं है, कहाँ पे डायलॉग बोलना, कहाँ पे पोज देना, वो सब वो आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे डायलॉग नहीं है वहाँ पे वो आँखों से ही बात करेंगे, आँखों से सब कुछ कह जाएंगे। तो ये टेक्निक उनके पास थी। तो दोस्तों उनकी फिल्मों से आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो आपको उनकी पुरानी फिल्में जो देखने मिले वो आप देखिए, देवदास देखिए, मधुमती देखिए, मुगले आज़म देखिए और कॉमेडी फिल्में भी देखिए, तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आपका होस्ट, आपका दोस्त विपिन कुमार आपसे इजाज़त चाहेगा। दोस्तों एक बात कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियोज़ आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी देखने को। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशन में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।